जीना और मरना है। जनाब सदर, आज हम जश्न आजादी मना रहे हैं। आज हमारे दिल खुशियों से लबरेज और हमारे सीने मुसर्रतों से मामूर, क्योंकि आजादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आजादी की जिंदगी का एक साल गुलामी की हजार साल जिंदगी से बेहतर है। जनाब सदर, 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन है जब हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मां से वजूद में आया। मुसलमानों के इत्तेफाक और कायदे अजम के खलूस की वजह से ये अजीम इस्लामी रियासत मां से वजूद में आई। हिंदुओं ने तरह तरह की बुखारियों से पाकिस्तान की मुखालफत की, मगर खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बनकर रहना था और बनकर ही रहा। उस वक्त मुसलमानों का ये नारा था कि लेके रहे ये पाकिस्तान, बन के रहे ये पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब सदर, मेरा वतन मेरी पहचान है, मेरा वतन फूल की तरह है, इसकी सरहदों पे ईमान का पैरा है, हरे भरे और वसीर इसके सोना उगल रहे हैं, ठंडे पानी देश में और बाग खाते दरिया वतन की खूबसूरती की अपनी मिसाल आप हैं। जन्नत से बढ़कर हसीन मेरा वतन है, जन्नत से बढ़कर हसीन मेरा वतन है, हम सर हैं फलक की जो जमीन मेरा वतन है। अजीज दोस्तों, आज के दिन हमें एक अहद करना है कि अगर इस वतन की खातिर जान भी निसार करनी पड़ी तो हम गुरेज नहीं करेंगे और इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। दिए से दिया जलाते रहेंगे, दिए से दिया जलाते रहेंगे, वतन से अंधेरे मिटाते रहेंगे, सजाते रहेंगे हकीकत की राहें, सजाते रहेंगे हकीकत की राहें, जमाने को मंजिल दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।